बागपत जेल में हुई कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने जिला जेल में छापा मार कर जिलाधिकारी किरणसिल को एसपी धर्मवीर के साथ भारी संख्या में पुलिस के साथ जेल में छापेमारी की गई। सभी बैरिकों में तलाशी ली गई और जेल में मौजूद कैदियों को जेल में रहने के टिप्स भी जिलाधिकारी और एसपी द्वारा दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी का कहना था कि यह मुजफ्फरनगर का कुख्यात अपराधी बंद है और उसे मुन्ना बजरंगी की हत्या के बारे में पूछताछ भी की गई है। फिलहाल जिला जेल का माहौल अच्छा है और किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। जैसा आप भी करते हैं और हमारे साथ द्वारा भी जेल किया जाता है, उसी क्रम में निष्ठा आज भी किया गया है। एक प्रतिबंधित चीज़ें आज ऐसे कोई प्राप्त यहाँ पर जेल से नहीं हुई है। आज बात देखिए, बागपत की घटना जो है वो चिंतनीय है, वो हमें चिंता करने को मजबूर करती है। और यहाँ पर तो खैर मैं एक साल से हूँ, पीछे भी निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार के कोई भी औजार, ब्लेड, चाकू, पिस्तल पहले भी नहीं मिले थे, आज भी निरीक्षण किया गया है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो कि यहाँ पर हो। सर, मुजफ्फरनगर का एक कुख्यात अपराधी भी बंद है। हाँ, वो बंद है, उससे भी बात की गई, उससे भी हम लोगों ने हर तरह से बात करने का प्रयास किया कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, कि क्या पता वो जानता हो पहले से, लेकिन उसको भी जानकारी नहीं थी। हम लोग के द्वारा ही उसको जानकारी प्राप्त हुई, वैसी चीज़ है। सर, उसका भी सामान का सब कुछ का जांच किया गया है। सर, वो पेशी जाता है क्या, उसके और सुरक्षा भी है और प्रबंध किया? पेशी के लिए बिल्कुल जो है सारी सुरक्षा के प्रबंध हैं, पुख्ता प्रबंध पहले से भी किए गए हैं और भी उसको ध्यान देंगे। ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटित हो रही है। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।